भारत के उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां पूरे धूमधाम के साथ हो रही थी। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी में बहुत से इंतजाम किए गए थे। देश की जनता भी अयोध्या नगरी में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को देखने की प्रतीक्षा में थी। देश के कोने कोने में हर तरफ इसी खबर की चर्चा थी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस कार्य का शुभारंभ 22 जनवरी 2024 को संपन्न किया जाएगा। इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या में चल रही बैठक में ये फैसला किया गया है कि इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अन्य प्रमुख मेहमान भी शामिल होंगे। दूर दूर से यात्री अयोध्या नगरी में राम मंदिर के दर्शनों के लिए उपस्थित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक हफ्ते पहले से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जय श्री राम। सालों बाद ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। सबके चेहरों पर कितनी खुशी है। अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत देश रामलला के स्वागत में खुशियां मना रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं ना, जो हम अयोध्या में रहते हैं और अपने जीते जी भगवान श्री राम को अपने घर अपनी अयोध्या में वापस लौटते देख रहे हैं। सब तरफ उनके स्वागत के लिए कितनी तैयारियां चल रही हैं, ये देखकर मन प्रसन्नता से भर गया है। इस मंदिर को बनाने की कोशिश आखिर सफल रही और कल वो दिन आ ही जाएगा जब प्रभु श्री राम अपने घर लौटेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन का दिन आ जाता है। प्राचीन नगरी अयोध्या में श्री राम के स्वागत के लिए भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा था। नया राम मंदिर भक्ति और आस्था का एक शानदार प्रमाण भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार था। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए भारत और विदेश के कोने कोने से लोग एकत्रित हुए थे। माँ बापू, क्या हम आज सचमुच भगवान राम को देखेंगे? हाँ मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर में भगवान श्री राम यहाँ आएंगे और हम सब उनके दर्शन करेंगे। चलो जल्दी से मेरे बच्चे, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगाओ। प्रभु श्री राम आने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए अब हम सब मिलकर पूजा शुरू करें और भगवान श्री राम को उनके निवास पर आमंत्रित करें। भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा का आयोजन प्रारंभ हो चुका था। राजू भी अपने माता पिता के साथ जय श्री राम के नाम का जयकारा लगा रहा था। पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारे से गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबता है मंदिर हजारों दियों से जगमगा उठता है। अचानक हल्की हवा चलने लगती है और एक चमकदार रोशनी के बीच से एक आकृति प्रकट होती है। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। भगवान श्री राम सबके बीच प्रकट होते हैं। मेरे बच्चों, मैं आप सबकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। आपकी भक्ति मुझे यहाँ ले आई है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की संरचना नहीं है बल्कि मेरे भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक है, जिसने एक बार फिर से मेरी जन्मभूमि अयोध्या नगरी को जीवित कर दिया है। हम आपकी उपस्थिति को देखकर धन्य हैं भगवान राम। आपकी जय हो। आपके दर्शनों से ये अयोध्या नगरी और राम मंदिर फिर से जगमगा उठा है। माँ, राम जी आ गए। माँ वो देखो, राम जी आ गए। हाँ मेरे बच्चे, हमारे प्रभु श्री राम आ गए, हमारे राम आ गए। कितना अद्भुत नजारा था। दीप मालाओं से अयोध्या नगरी जगमगा रही थी। सभी भक्त जय श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे थे। भगवान श्री राम पर फूलों की वर्षा होने लगती है। भक्तों को दर्शन देकर प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो जाते हैं। खुशियों के साथ अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ राम मंदिर का उद्घाटन धूमधाम से संपूर्ण होता है।